हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। और आज एक्चुअली मेरे तीन चार लोगों ने मुझे बार बार ही मतलब कमेंट करके बोला कि आप प्लीज़ फिर से फुटवेयर मसाज बताओ बताओ बताओ। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं फुटवेयर मसाज को बताऊं कि मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ नए तरीके से फुटवेयर मसाज करती हूँ। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और लास्ट तक बने रहिएगा, आधा स्किप मत करके देखिएगा प्लीज़, पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हो यार, प्लीज़ मत भूलिएगा कमेंट करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करने में ना कोई पैसे नहीं जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आप क्या करना है कि आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, गुनगुना जिसे कहते हैं, जिसको आप सह सको। ये नहीं कि जलते हुए पानी में अपने पैर डाल दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। गुनगुना पानी लीजिएगा और उसी में अपने पैर को डाल के आप मस्ती भी कर सकते हो उस पानी के साथ, क्योंकि ठंड है, ठंड में गरम गरम पानी कितना अच्छा लगता है पूछो मत। तो आप मस्ती करते करते अपने पैरों को भी रिलैक्स दोगे, क्योंकि गुनगुने पानी में पैर रखो तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। आपको पता भी होगा और जिनको नहीं पता होगा, वैसे तो सभी को पता होगा, बट जिनको नहीं पता होगा ना वो एक बार करके ज़रूर देखेगा। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये जेंट्स और वोमेन दोनों कर सकते हैं। ये नहीं कि पर्टिकुलर ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है, कोई भी कर सकता है यार। इन्जॉय करो, क्योंकि काम तो दोनों करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो दोनों काम करते हैं, तो थकान तो सबको होती है। और कोई भी मतलब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, बहुत ज़्यादा थके हुए हो, तो बस ये काम कर लो, देखो चुटकियों में आपको कितना रिलीफ मिलता है। सच बता रही हूँ, यकीन नहीं तो करके देखना, और करके देखना फिर कमेंट करना भाई ज़रूर। बस आप थोड़ी देर गुनगुने पानी में रखोगे पैर को, तो मतलब इतना उस पानी में रखने से ही आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि पूछो मत। उसके बाद आप निकालोगे अपने पैर को, फिर जिससे भी अपने पैर को साफ़ करना चाहते हो वो साफ़ कर लो, अच्छे से सुखा लो अपने पैरों को। सुखाने के बाद फिर आप चाहे सरसों के तेल से या फिर किसी भी तेल से, नारियल तेल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी आपको अच्छा लगे है ना, जो आपके पास हो, तो उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए। और गुनगुना करने के बाद क्या करना है, अपने पैरों पे मसाज करनी है। मसाज करने के बाद क्या करोगे, मसाज करने के बाद अच्छे से उसको रगड़ना है, मालिश करना। इससे एक दो फायदे होते हैं, पता है, आपके पैर मुलायम भी रहेंगे ठंडियों में, और ऊपर से आपके सारे थकान दूर हो जाएंगे, जो दिन भर का आप काम कर करके थके हुए होगे ना, वो सारा कुछ छूमंतर हो जाएगा चुटकियों में। तो बस अपने पैरों को मसाज करना है, फिर उसके बाद रिलैक्स होके सो जाना है, आराम से सो जाइए, फिर देखिए आपकी थकान, ये बस ये करके देखना आपकी थकान दूर ही हो जाएगी, है ना। इसके करने के बाद पता है आपको अच्छी खासी नींद भी आएगी और आप रिलैक्स होके सो जाओगे यार, बहुत आराम मिलता है इसको करने से। तो चलिए बस यही था मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, है ना। कमेंट आप लोग नहीं करते हो यार, जितने लोग देखते हो कमेंट करके बताओ ना कैसा है क्या नहीं है। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ना आप लोगों का कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और एक बात और, क्या मैं कहने जा रही थी, मैं कहते कहते यार भूल जाती हूँ। तो एक बात और मैं कहने जा रही थी, चार पांच लोगों को शेयर तो कर ही दिया करो यार, इतना तो कर ही सकते हो ना अपने दोस्त के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और इन्जॉय करिएगा, वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।